मिला। तब भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया और पृथ्वी को स्थापित किया। तो महाराज देखो, पांडवों को पता चला, पांडवों ने अपने पोते परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं हिमालय गमन किया। पांडवों के अपने पुत्र थे, एक एक पुत्र था, प्रत्येक पांडव के पांच पुत्र थे, लेकिन पांचों के पांचों मारे गए थे। जब युद्ध बंद हो चुका था तो अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन पांडवों को तो भगवान पहले ही गंगा स्नान के लिए आधी रात में ले गए थे। बोला चलो हमने स्नान करना है। पांडवों ने कुछ नहीं पूछा कि आधी रात में कैसा स्नान करता है कोई, आधी रात में स्नान, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान ने जो आज्ञा दे दी, पांडवों ने साहस स्वीकार की, वो भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान कृष्ण ने पांडवों के पुत्रों से भी कहा चलो स्नान करना है आज। उन्होंने बोला बाप बूढ़े हो चुके हैं, आपको नींद नहीं होती, लेकिन हम तो थके हुए, हमने सोना है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान मजबूर है, चेतावनी जरूर देते हैं। पांडव चले गए, पीछे से अश्वत्थामा आश्रम में आए पांडवों के, वहां चादर ओढ़ करके सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव ही है। अश्वत्थामा ने तलवार से पांडवों के पांचों पुत्रों के शीश धर से अलग कर दिया, बांध करके ले गए दुर्योधन के पास। बोला आपके सारे शत्रु मैंने खत्म कर दिए। लेकिन जब उन शीशों को देखा तो वो पांडवों के नहीं थे, एक भी पांडव का शीश नहीं था। दुर्योधन इस दुख में ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं कि मेरे इतने भाई मारे गए, मैं भी जा रहा हूं और मैं एक भी पांडव को नहीं मार पाया, निहत्थे इन बालकों को मार दिया। अंतिम समय में भी बड़ा भारी दुख हुआ। अब देखिए भगवान चले गए तो पांडवों ने राजगद्दी को छोड़ा था, अपने पुत्र तो थे नहीं, अपना पोता था जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। जब ये गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। यदा मृदे कौरव संजान वीरवस्ते गतेषु, महाराज सूत जी सुना रहे हैं कि उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिसको कोई शांत नहीं कर सकता है। मगर जब उस उत्तरा ने भगवान कृष्ण को बुलाया तो द्वारकाधीश ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और इस गर्भ की रक्षा की, ये बच्चा पैदा हुआ। और भगवान कृष्ण ने खुशियां मनाई, बधाई दी पांडवों को। भगवान कृष्ण ने कहा इस बालक का जन्म कौरवों के क्षीण होने पर हुआ है, संसार में ये परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। परी का मतलब है कौरव, परीक्षित का मतलब है, अर्थ है क्षीण होना। ये है अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु को पांडवों ने कैसे अधर्म से मारा था आप सभी जानते हैं। उधर अर्जुन को जयद्रथ उलझा करके अपने पीछे पीछे ले गए, और इधर चक्रव्यूह रचा था, चक्रव्यूह का भेदन अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन तो जानते थे लेकिन वापिस आना नहीं जानते थे। कुबीर अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वो तो वीर गति को प्राप्त हुए, वीरों की गति। और देखो भगवान ने उनका अंश प्रकट किया है, परीक्षित। परीक्षित का
विवाह उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ हुआ और जनमेजय आदि उनके चार पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जनमेजय था। उन्होंने भी पांडवों की भांति बड़ा सुंदर है राजपाट देखा। और इसी कारण से एक बार जब परीक्षित दिग्विजय के लिए जाने लगे तो उनकी भेंट कलयुग से हुई। ये जो युग है ये कलयुग है, ये परीक्षित को पहले दिख गया। काले रंग वाला ये कलयुग राजा का भेष धारण करके एक गाय तथा बैल को बुरी तरह से पीट रहा है। और परीक्षित को क्रोध आ गया, बोला पापी तुझे पता नहीं है किसका साम्राज्य है, है? बोला तेरी इतनी हिम्मत जो राजा का भेष बना करके तू गाय और बैल को पीट रहा है, मैं तुझे अभी मार देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे श्री कृष्ण भगवान की। कलयुग घबरा गया, जो मुकुट पहना था वो खोल दिया और दौड़ करके परीक्षित के पैर पकड़ लिए। बोला महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बोला मेरे सामने पहा पाप करता है गाय जिसको हम माता मानते हैं, गाय में सब देवी देवता विराजमान है, तो उसका अनादर करता हुआ उसे पीट रहा है। बैल जिसको पिता के समान माना गया है तू उसको भी पीट रहा है। बोला महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे समय में माता पिता की यही हालत होगी। बोला कहना क्या चाहता है? बोला महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब द्वापर का समय बीत चुका है और मेरा समय आ गया है, तो मेरे समय में ऐसा ही होगा। बोला महाराज मैं किसी गाय को नहीं पीट रहा, ये गाय नहीं, ये पृथ्वी गाय के रूप में आपको दिख रही है और ये बैल साधारण बैल नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर धर्म है। जब बैल की तरफ देखा तो उसकी तीन टांगे टूटी हुई दिखी परीक्षित को। बोला ये क्या है? बोला महाराज मेरे आने पर धर्म के तीन चरण टूट जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, एक चरण के सहारे बेचारा धर्म चलेगा। जब एक चरण के सहारे धर्म चलेगा तो पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ेगा और उस बोझ तले पृथ्वी दुखी होगी, इसलिए ये गाय भी रो रही है। परीक्षित कहने लगी अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें आने ही नहीं दूंगा। बोला महाराज अभी तक आपने मेरे दोस्तों को ही सुना, मेरे में गुण भी बहुत है। महाराज पहले मेरे गुणों को सुन ले और फिर मुझे छोड़े, मैंने तो आना है। कलयुग ने अपने गुणों के बारे में बताया। बोला सतयुग में 7000 वर्ष की तपस्या का फल, त्रेता में 700 वर्ष, द्वापर में 70 वर्ष और मेरे आने पर वही फल मनुष्य को मात्र 7 दिनों में मिलेगा। ऐसा सुनते ही परीक्षित पूछने लगे क्या कहा? बोला महाराज 7000 वर्ष की तपस्या का फल 7 दिनों में मनुष्य को मिल जाएगा। सुनते ही परीक्षित का क्रोध शांत होने लगा। बोला महाराज महाराज
सत्युग में कोई पाप कर्म कर देता तो उसका फल पूरा नगर भोगता था, त्रेता में पाप कर्म करता तो उसका फल पूरा गांव, द्वापर में कोई पाप कर्म करता तो उसका फल उसका पूरा कुल। लेकिन मेरे समय में जो पाप करेगा फल उसी को भोगना पड़ेगा। इस गुण को सुन करके परीक्षित का क्रोध बिल्कुल ही शांत हो गया। बोला कलयुग ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम अधर्म को बढ़ाओगे इसलिए मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग कहने लगे कि महाराज मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भी परिवार है। महाराज जहां आप बताएंगे वहीं मैं रहूंगा। अभ्याटित तस्मै स्थानानि कले ददौ द्योतपानम् स्त्र्यसूना यत्र धर्म चतुर्विधौ। अभ्याटित तस्मै, कलयुग ने स्थान मांगे, महाराज जहां बताएंगे वहीं रहूंगा। तो परीक्षित महाराज ने स्थान दिए। ध्यान दीजिए कथा में, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर मदिरा पान हो रहा हो, जहां पर जीव हिंसा हो रही हो, जहां पर स्त्री संग हो रहा हो, वहां पर तुम हे कलयुग निडरता से रह सकते हो। कितने स्थान हो गए? ये तो ऐसी बात है, एक कान से सुन रहे दूसरे से चल बाहर। चार स्थान सुनते परीक्षित कहने लगे बस अब तो खुश है। बोला महाराज खुश कैसे होना, आपने जितने भी स्थान दिए अभी तक वो निकृष्ट हैं। कौन नहीं चाहता अच्छा घर हो, अच्छा गांव हो, कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखीश्च भार्या मूर्खाश्च पुत्राश्च विधवाच कन्या। बोला गांव अच्छा नहीं हो, अपने हीन वर्ण की सेवा करनी पड़े, कुभोजन हो, पत्नी क्रोध मुखी हो, मूर्ख पुत्र हो जाए, कन्या विधवा हो जाए, ऐसी स्थिति में मनुष्य को आग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो अंदर अंदर ऐसे ही जल जल करके समाप्त हो जाता है। यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना। यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हाथों को ऊपर करके राधे राधे, आधे आधे नहीं बोला मैंने, पूरे पूरे जोर से राधे राधे। लग रहा है आपको कि आपकी आवाज ठीक है? जब नहीं लग रहा तो जोर से। केवल के एच टुडे चैनल पर दो समय निरंतर सुनाई जाएगी, तो इसलिए उत्साह उमंग होनी चाहिए कि आप इस कथा को आपने सुन रहे हैं। आपके साथ हजारों की संख्या में और भक्त भी सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए एक छोटा सा भजन ठाकुर जी के चरणों में, उसके पश्चात जैसे कथा में ध्यान लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा संकीर्तन भी जरूरी है। तालियों की सेवा जरूरी देना है, गाना भी है जो गा सकता है। देखो मन कब एकाग्र होता है, बोलो। योग से मन एकाग्र नहीं होता, पक्की गारंटी नहीं है।
समाधि से भी मन एकाग्र नहीं होगा भैया, मन की गति बड़ी तेज है, इतना तेज तो हवाई जहाज भी नहीं दौड़ेगा जितना मन दौड़ता है। एक मिनट नहीं लगेंगे आप यहां से हमीरपुर पहुंच जाएंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा, मन जो जाएगा। जब ये मन भगवान के नाम में लगता है तो मन एकाग्र होता है। दिल दीवाना भगवान के ऊपर है भाई, वो तो मस्त होकर के गाय बाकी सब देखे। सांभली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गए, I'm
तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी तीसरा तेरा मुस्कुरा छप्पन प्रकार का भोग खाते हैं, दूसरा माखन भी खाते हैं और तीसरा क्या खाते हैं? क्या मिश्री? वो तो एक ही हो गया ना, माखन मिश्री। तीसरा से सुनो, तीसरा खिचड़ी का गा Oh,
तत्फलम सम्यक कलौ केशबने कीर्तनात्। इसी कारण से कलयुग को परीक्षित जी ने जीवित छोड़ दिया था। जो फल तपस्या योग समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है, वही फल कलयुग में मात्र भगवान कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होता है। बोला महाराज, मेरे समय में मानसिक पुण्य तो लिखा जाएगा मगर मानसिक पाप नहीं लिखा जाएगा। और इस गुण की वजह से भैया पांचवा स्थान भी मिला। परीक्षित जी ने एक बहुत अच्छा स्थान दिया है। बोला कलयुग तू भी क्या याद करेगा, आज के बाद
सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। अमोनी पंच स्थानानी, इन पांच स्थानों से मनुष्य को थोड़ा बच करके रहना चाहिए। अगर जाने को मन भी करे तब भी मत जाना, कभी जुआ खेलने मत जाना, कभी शराब पीने मत बैठना, कभी जीव हिंसा वाली जगह पर मत जाना, कभी वैश्या के कोठे पर मत जाना, और कभी सोने की चोरी मत करना। देखिए ये पांच स्थान मिल गए। कलयुग ने बोला महाराज मैं इन्हीं पांच स्थानों पर रहूंगा। बोला ठीक है मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, जाओ। कलयुग परीक्षित की कृपा पात्र बन चुके हैं, लेकिन परीक्षित को पता नहीं कि कलयुग कैसे है। एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयांबनि। हे ऋषियों, एक बार परीक्षित जी अपने खजाने को देखने गए, वहां पर एक सोने के मुकुट को देखा। उस मुकुट पर लगी हुई मणियों पर मोहित हो गए। मतलब बड़ा सुंदर मुकुट है, ये किसी से नहीं पूछा कि ये मुकुट किसका है। हमारा ही है, हमारे खजाने में रखा हुआ है ये मुकुट। महाराज जरासंध का था, जो कांस के ससुर थे। जब जरासंध को मारा गया तो भीमसेन उनके मुकुट को लेकर के आए थे और अपने खजाने में रख दिया था। उस पापी का सोना जैसे सिर पर धारण किया, मन में शिकार खेलने की जरूरत लगी कि इच्छा हुई हम क्षत्रिय हैं, शिकार खेलना चाहिए। और एकदा धनुर्दम्य मृगयां बने, एक बार वन में विचरण करने के लिए चल पड़े। वन में शिकार तो किसी भी जीव का नहीं किया, लेकिन स्वयं शिकार हो गए। वहां प्यास लगी, एक आश्रम को देखा, बाहर से आवाज लगाई कोई महात्मा रहता है तो मुझे जल पिला दे, प्यास के मारे बड़ा व्याकुल हूं। और उस कुटिया में महात्मा जी रहते तो थे लेकिन तपस्या में बैठे थे, उन्होंने तो सूर्यास्त के समय उठना था। परीक्षित अंदर गए, महात्मा को देखा, महात्मा को देखकर क्रोध आ गया क्योंकि सर पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, मुकुट नहीं बैठा, कलयुग सोने में कलयुग है, कलयुग उस समय सिर पर बैठा है। बड़ा क्रोध आया, अहंकार हुआ कि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं। डारी नाग ऋषि कंठ में राजा की नो पाप, ओन हार होकर गुतो सिंगी दीनो सा। भाई मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। एक ब्राह्मण का इस तरह से अपमान कदापि ना करे। देखो जैसे ही ये महापाप किया, कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे मनुष्य पाप करने लग जाता है, उसका मन अहंकारी हो जाता है, क्रोध करना शुरू कर देता है, तो समझो उसका पतन है, उसके पतन को समय नहीं लगता। कलयुग तो बड़ा खुश हुआ कि सजा मिल गई, और सजा मिली भी क्योंकि जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला था उनके पुत्र महामुनि श्रृंगी ने शाप दे दिया था कि आज समय के प्रभाव से ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा, निश्चित ही ये कार्य किसी क्षत्रिय ने किया है, इतनी हिम्मत केवल क्षत्रिय कर सकता है। हमने क्षत्रियों को चौकीदार बना करके रखा था,
अगर वही मालिक के अंदर आकर के उनके बर्तनों में मुंह मारने लगे तो ये शोभा नहीं देता। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप रखा है, डाला है, जाओ उसे मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिनों के बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी और दुनिया की कोई भी ताकत उस पापी को नहीं बचा पाएगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। महाराज सूत जी चौन कांधे ठसे जा रही सुनियों को सुनाने लगे। जब इस बात का पता महामुनि समीक जी को लगा, जिनके गले में सांप डाला था वो समीक थे, दोनों ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, बोला बेटा ब्राह्मण को क्रोध नहीं होना चाहिए, तब तुम में और में कोई अंतर, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। उसी समय महामुनि समीक अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ बेचारे परीक्षित को बताओ। परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन है, वो अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढे और उस मार्ग पर चले। और देखो महामुनि समीक के शिष्य परीक्षित को समाचार सुनाते हैं। मृत्यु का समाचार पाते ही परीक्षित का मन डामाडोर होने लगा, परीक्षित थर थर कांपने लगे। जिस समय परीक्षित को श्राप हुआ था उस समय परीक्षित का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, एक भी दांत मुंह से टूटा नहीं था। कहने का भाव परीक्षित नौजवान थे, युवा थे, अभी युवा अवस्था में किसी को पता लग जाए कि 7 दिनों के बाद मृत्यु होनी है तो उसका क्या हाल हो जाएगा। मृत्यु से सभी कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन परीक्षित ने धैर्य को धारण किया और पश्चाताप करने के लिए परीक्षित ने अपने राजपाट परिवार का त्याग कर दिया। बलखल वस्त्र धारण करके परीक्षित गंगा मैया के किनारे कुशा के आसन पर बैठे और किए हुए पाप पर बड़ा भारी दुख मनाया है। कुछ पाप तो दुख मनाने से कम होता है, लेकिन कुछ पाप को पश्चाताप से शमन किया जा सकता है। अगर पाप का बोझ ले जा अपने साथ ले गए तो आगे 28 प्रकार के नरक हैं, वहां पर रखा जाएगा। और परीक्षित ये भी जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने पर मुझे प्रेत बनना पड़ेगा, मुझे प्रेत बाधा सहन ना करनी पड़े। महाराज परीक्षित इसीलिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। और देखो परीक्षित से मिलने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े व्यक्ति गए, क्योंकि वो एक चक्रवर्ती राजा थे। इधर एक MLA आ जाए तो उससे मिलने के लिए देखो सबको समय होता है, झट से निकल जाते हैं। और एक मंत्री आ जाए तब तो फिर भीड़ छूट जाती है। मुख्यमंत्री आ जाए तब तो सारे काम छोड़ के चलो भाई। बोलो राधे राधे। अब यहां ये चक्रवर्ती राजा थे, जब उन्होंने सबको छोड़ा तो सब उनसे मिलने के लिए गए। सोचा क्या बताइए फिर राजा बनेंगे तो हमारी पदवी बढ़ जाएगी, सांत्वना देने के लिए तो गए, लेकिन वो सब दिखावा था। जब परीक्षित को किसी ने मार्ग नहीं बताया तो परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। हे प्रभु, जैसे आपने हमारे पूर्वजों की रक्षा की थी वैसे इसमें मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरी सहायता कर दीजिए।
और महाराज जैसे ही ये मांगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यास जी के पुत्र दिगंबर महामुनि श्री शुकदेव स्वामी जी अवधूत ब्रह्मज्ञानी परीक्षित के पास पहुंच गए। जैसे ही महाज्ञानी महाराज शुकदेव स्वामी जी आए दिगंबर भेष में, उनको सारे लोगों ने घेर लिया, स्त्रियों ने घेर लिया, पुरुषों ने घेर लिया, परीक्षित तक तो पहुंचने नहीं दे रहे थे क्योंकि इतना तेज उनके माथे पर था, वो साक्षात भगवान है। भागवत में एक बड़ी अच्छी श्लोक है, यम प्रवजन्तम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयता दर्वो अभिनेदु सतम मुनिवान दो असमि। बोलो भगवान शुकदेव महाराज की। शुकदेव भगवान जी ने व्यास जी के घर में जन्म लिया तो देखो संस्कारों में हमारा जीवन बांधा गया है, जात कर्म संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, लेकिन अभी तक महाराज शुकदेव स्वामी जी का कोई संस्कार नहीं हुआ था। उसी समय अपने माता पिता को छोड़ करके तपस्या करने जाने लगे क्योंकि उन्होंने अमर कथा को सुना था। ऐसे पुत्र को भला कौन छोड़ सकता है, उनके पीछे उनके पिता दौड़ पड़े। कहते हैं हाय पुत्र जोर जोर से पुकार रहे थे व्यास भगवान, लेकिन पुत्र हैं कि पीछे नहीं देख रहे। आगे बहुत सारी कन्याएं स्नान कर रही थी, जब महाराज सुखदेव स्वामी जी को उन कन्याओं ने देखा, महान तपस्वी महाराज जी को देख करके वो अपना आप भी भूल गए। उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, वो वैसी हालत में खड़ी रह गई। शुकदेव महाराज वहां से आगे बढ़ गए। उनके पीछे जैसे ही रोते बिलखते व्यास भगवान जी आए, कन्याओं ने झट से अपने कपड़े होश आया हो कपड़े उठाए, झट से कपड़े पहने और व्यास जी को रोते हुए देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। जिन्होंने 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे हैं वो रो रहे हैं। व्यास भगवान जी कहने लगे, अरे कन्याओं मेरे पुत्र को रोको। बोला मेरे से बड़ी शर्म आ रही, कपड़े पहनने को लगे, पुत्र को पकड़ना था रोकना था, मेरे जवान बेटे से तो शर्म नहीं आई, मैं बूढ़ा यहां से रोता हुआ जा रहा हूं तो बड़ी शर्म आई। उस समय उन युवतियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, इससे पहले बोलो राधे राधे। तो महाराज ये आपके पुत्र हैं? बोला ये किसी के पुत्र नहीं हो सकते। बोला वो क्यों, मेरा पुत्र है शुकदेव इसका नाम है। बोला महाराज आपके पुत्र तो साक्षात भगवान है। बोला वो कैसे। बोला हम नग्न अवस्था में सब खड़ी थी, वो यहां से गए, उन्होंने एक नजर तक हमारी तरफ नहीं देखा,
ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। व्यास जी आप बूढ़े हैं, विद्वान भी हैं, फिर भी आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए हमें आपसे लज्जा आई थी। लेकिन आपका पुत्र चाहे हमारे सामने आ जाए, हमें उससे लज्जा नहीं आएगी। उसके अंदर स्त्री पुरुष का तनिक भी भेद नहीं है, इसलिए वो भगवान है। व्यास जी को आभास हुआ कि मेरे मन में अभी भी भेद है, इस भेद को कैसे मिटाएं? व्यास जी आगे गए तो वृक्षों के पत्तों से आवाज आई, पत्तों ने जवाब दिया, व्यास जी किसको ढूंढ रहे हैं? बोला मेरा पुत्र हो गया। बोला कौन पुत्र, कौन पिता? अगर आपका पुत्र आपके पास रुकता तो पत्नी ने उसको और जन्म लेना पड़ता, फिर वो आपका पिता बनता, आप उसके पुत्र बनते। इसलिए आपके पुत्र ने उस रीति को तोड़ने के लिए सर्वस्व त्याग किया है। और व्यास भगवान जी को तब आभास हुआ कि भगवान को पाने के लिए मुझे अभी भी प्रयत्न करना है। व्यास भगवान जी तुरंत अपने पुत्र की भांति तपस्या में लीन हुए। बोलो राधे। तो भैया जब तक आपकी मति परिवार में है, अपने मकान में है, जमीन जायदाद में संबंधियों में है, तब तक देखो अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म जब लोगे तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा। पत्नी पाप भारी है, पुण्य कम है, तो उसी घर में भेड़ बकरी भैंस बन करके आओगे, और भेड़ बकरी भैंस बन करके उस घर में सेवा करोगे तो कैसा लगेगा? दो पैरों से चार पैरों वाले बन जाओगे तो कैसा लगेगा? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सत्संग विवेक न होइए, सत्संग विवेक न होइए, राम कृपा बिनु सुलभ न होइए, राम कृपा बिनु सुलभ न होइए। कलयुग में सबसे बड़ा साधन संतों ने भागवत कथा बताया है। भागवत में परम आनंद है। भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण। इस समय भगवान श्री कृष्ण आपके सामने, और वो मन शांत है, सबका मन पवित्र है, और अनुभव हो रहा है कि जैसे ही हम वापिस जाते हैं इस नाम से, तो हम वो ममता में पकड़ लिए जाते हैं। भाई सुखदेव महाराज जी की शरण मिली। जब सुखदेव महाराज परीक्षित के निकट आए तो बोला, परीक्षित तेरे लिए ही मेरा आगमन हुआ है, मुझे भगवान की आज्ञा ही, मैं तो तपस्या में बैठा था, चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग में चल करके मनुष्य अपनी मृत्यु को संवार सकता है?
जिसके पास सात ही दिन हो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन के सात दिन। बोला परीक्षित, तो बड़ा भाग्यशाली है, जन्म के लिए भी सात दिन है, मृत्यु के लिए भी सात ही दिन है, और कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए भी सात दिन निर्धारित किए हैं। एक जगह बोला मुझे, बोला महाराज जी आप सात दिनों में क्या भागवत पूरी सुना देते हैं? मैंने बोला ऐसा तो कहा ही नहीं गया भागवत में कि पूरी भागवत सुनाओ तभी कल्याण होगा। भागवत को तो सात दिन क्या सात वर्ष भी बैठे रहो तब भी समाप्त नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंत। बोला महाराज फिर कलयुग में मनुष्य के लिए सात दिन निश्चित किए गए हैं। सात दिनों में जितनी भी भागवत सुन ली जाए सुना दी जाए उसी से मनुष्य का कल्याण है। बोला महाराज आप समझ में आया? तो देखिए जैसे मैं सुना रहा हूं गुरुदेव परीक्षित को बताने लगे। बोला परीक्षित तू तो बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है, तू साधारण मनुष्य नहीं है भगवान, साधु साधु। बोला तुम साधु हो, तुम साधु हो। बोला महाराज मैं घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे आप साधु बोल रहे हैं। बोला परीक्षित तुम जैसा त्यागी मनुष्य बड़ा कम होता है, तुमने मृत्यु को संवारने के लिए जो अपना सर्वस्व छोड़ दिया, बीवी बच्चे राजपाट कपड़े सब कुछ छोड़ दिया, तो तुम साधु ही हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करवाऊंगा। तुम घबराओ मत, तुम भागवत भगवान की शरण में आओ, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वैकुंठ में जाने से नहीं रोक पाएगी। बोलिए सुखदेव भगवान की। परीक्षित कह रहे हैं ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से कर लिया किनारा। बहुत देखे हमने अपने पराए, पर मुसीबत में कोई किसी के काम ना आए। देखो भैया जिनको आप अपना समझते हैं अंतिम समय में पता लगता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि पत्नी पति के साथ मर गई, मैंने भी नहीं जीना। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि पति पत्नी के साथ ही चल गया हो, कि मैंने भी नहीं जीना। देखा कभी? हाँ ऐसे मृत्यु होगी, हार्ट अटैक पड़ गया तब अलग बात है, ऐसे ही कोई नहीं। ये स्वार्थ वाला संसार है जिनको हम अपना समझते हैं। ये संसार बेरंग है, इसके रंग में ज्यादा फंसोगे तो धोखा खाओगे। देखिए शुक्रताल नाम से वो जगह प्रसिद्ध है जहां पर सुखदेव महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुनाया। भागवत सबसे बड़ा यज्ञ इसलिए है क्योंकि इसमें तीन यज्ञ आते हैं, एक तो देव यज्ञ, दूसरा मानस यज्ञ और तीसरा ज्ञान यज्ञ। सबसे बड़ा ये महायज्ञ है। इस महायज्ञ में सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं मनुष्य की। अगर मनुष्य तन्मयता के साथ एकाग्र होकर के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है
कोई शंका ही नहीं है, यहां पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारा ही अपना अनुभव है, क्योंकि हमारा तो काम ही कथा सुनाना है। साल में 7-8 महीने तपस्या को देने पड़ते हैं, तो हम अपने श्रोताओं से जुड़े हुए रहते हैं। वो श्रोता बोलते महाराज हमारा ये काम हुआ, हमारा वो काम हो गया, जिसकी आशा ही नहीं थी। अब पिछली कथा मेरी इधर थी, दियोग दियोग स्थान है, परीडी के साथ थी, जो हमारे मुख्य यजमान थे, बेचारों ने क्या किया, दक्षिणा देनी थी जो मैंने की थी, लेकिन देरी दूसरी वाली, वो बड़ा कैश बड़ा जो था ना, वो लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। मैंने भी दक्षिणा को गिना नहीं, मैंने भी जो हिसाब रखा जो दे दिया वो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं घर आया, जब मैंने उस पैकेट को खोला, मैंने बोला हाय राम राम राम, मुझे बड़ी चिंता हुई। मैं क्या, उन्होंने औरों को भी देना होगा, ये तो सारे मुझे दे दिए हैं, कोई बोटी होंगे लगे हुए, कोई और पंडित जी भी हैं। तुरंत उनको फोन किया, बोला महाराज आपने कितनी दक्षिणा दी है। बोला जी हमने गिनी नहीं, क्या कम है, देखना शायद कोई इधर आएंगे। सच्ची घटना ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। बोला जी हमने गिनी नहीं, क्या कम है, महाराज तो सुबह पहुंचाते। मैंने बोला कम नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही दक्षिणा दी है। उन बेचारों को कोई पता। बोला महाराज अगर ज्यादा है तो रख लो। बोलो राधे राधे। मैंने बोला नहीं, ज्यादा कैसे दे ले। जैसे उन्होंने मुझे इतना कहा, तुरंत उनको समाचार मिला, कई वर्षों से उनका कोई काम लटका था और वो काम उसी दिन हुआ। बोलो राधे राधे। वो तो इतने खुश हुए, बोला महाराज हमने तो साक्षात ही भागवत का फल देखा लिया। 2-2.5 सालों से मेरा काम लटका हुआ था और वो आज उसका कार्य हुआ, वो भगवान ने आज पूरा किया। अगर मैंने भागवत पहले करा दी होती तो बोला पहले हो जाना था। मैंने बोला वो भगवान की इच्छा है, लेकिन हम वो ही लेंगे जो हमने तय किया था, और आपको वो वापिस लेना पड़ेगा। वो बेचारे ना तो फोन कर रहे हैं ना तो आ रहे हैं, मैं तो इनका इंतजार कर रहा हूं, चलो इधर ही आ जाए। बोलो राधे राधे। भागवत की महिमा अपरंपार है, सुनाने का आनंद है। यहां पर जैसा आप भाव रखोगे, जिस भाव से बैठोगे भैया भगवान उसी भाव में आपको फल दे देखते हैं। गढ़ गंगा के पास महाराज सुखदेव स्वामी जी कथा सुनाने लगे। परीक्षित जी मुख्य यजमान बने। परीक्षित को पहले गुरु मंत्र दिया और मंत्र वही दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। परीक्षित ये महामंत्र है, इसी महामंत्र से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे संसार वालों को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला कि अवधूत दिगंबर महाराज श्री सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं, तो भैया लोग दौड़ दौड़ करके कथा भंडार में पहुंचने लगे। जिन्होंने अमृत पान करना है वो बड़े दूर दूर से चल के आ जाते हैं। कल मैं हैरान था, लगभग दूसरा दिन था, धर्मशाला से चल करके लोग आए हुए थे। अब सोचो इधर चमनेट वालों के पास समय कम है, तो महाराज क्या करना, काम पड़ा है, फसल लगानी है, ये और सोचो उनके भी तो खेत खलिहान होंगे जो धर्मशाला से चल के आ गए। आज भी यहां पर बड़ी दूर दूर से भगतजन चल के आए हैं आपके बीच में, तो इन्होंने भी तो काम छोड़ा है।
ये काम समाप्त नहीं होते, बंदा समाप्त हो जाता है। जो सबसे बड़ा काम है उस काम की तरफ ध्यान ही नहीं है कि अगली श्वास आएगी भी नहीं, इस जीवन को सुधार करें उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो भैया भागवत में तो एक किसान की स्थिति भी बड़ी दुर्लभ बताई गई है। हर कोई भागवत सुन नहीं सकता और हर कोई भागवत करा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। आप चाहे करोड़ों कमा लो, घर में भागवत करवाने चाहोगे तो आज्ञा नहीं होगी। जब आज्ञा होगी किसी को तो वो एकदम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहता हूं, चलो कराना नहीं है तो कम से कम सुनो तो सही। सुनोगे तो भगवान शायद आपके ऊपर भी कृपा करें कि करवाओ अपने घर में, तब होगी कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। रामायण में ये जो पाई है, जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा होती है भैया। और राम की कृपा के लिए पहले भगवान शिव को मनाना पड़ता है, शिव से राम कृपा आती है और राम कृपा से फिर ये कृपा होती है। तो कहा महाराज, जब मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया, किसकी धारणा करनी चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है कि जो मनुष्य मृत्यु शैया के निकट हो उसको क्या करना चाहिए। संत जन ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। तो भागवत में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए। राधे राधे। बोला परीक्षित, संसार कि संबंध सब असत्य है, परंतु जीव उनके मोह में इतना पागल हो जाता है कि तेषां प्रपन्नो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, कि अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को देख करके भी मनुष्य अपने मृत्यु को याद नहीं करता, भूल जाता है। अपने सहयोगियों, अपनी आयु वालों को मरे हुए देख करके भी अपनी मृत्यु को भूल जाता है। इसलिए परीक्षित, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यही जरा और व्याधि से छूटने का एकमात्र उपाय है। क्या बताया था उपाय, बोलो क्या बोला था। खेतों में कणक लगानी, मैल फेंकना चाहिए। लोगों का घास काटना चाहिए। बोला भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यही जरा और व्याधि से छूटने का एकमात्र उपाय है। हे परीक्षित, मनुष्य जन्म का लाभ बस इतना ही है कि जैसे भी हो, जिस साधन से भी हो, जीवन ऐसा बन जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति याद रहे, अंतिम समय में भगवान का नाम, भगवान की याद रहे। इसीलिए सत्संग किया जाता है, इतने अच्छे कर्म किए जाते हैं और भगवान के सिवा कहीं भी मनुष्य का ध्यान मृत्यु समय भटकता है तो उस मनुष्य की
समझ लो हालत खराब होती है, उस मनुष्य का कल्याण नहीं होता, उस मनुष्य की दुर्गति होती है। हे राजन, जो समय बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में चिंता मत करो, ना कुछ सोचो। अब वर्तमान को सुधारो, अभी भी हमारे जीवन के 7 दिन हैं। देहे अनु ये चितमह, इसलिए शरीर से ममता का बिल्कुल ध्यान हटाओ। गृहात प्रवजितो धीरा पुण्य तीर्थ जल प्लुतः, बोला मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को घर से बाहर निकल करके तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए। संबंधियों से मना मन हटाकर किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान कर प्राणायाम करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि ये पता कैसे लगे कि मृत्यु निकट है, मृत्यु समीप आ गई, तब तो हम प्राणायाम करें, तब तो हम गंगा जल से नहा लें। अगर मृत्यु एकदम से हो जाए तो कैसे क्या करेंगे? तो देखिए बता रहे हैं महाराज जी कि मनुष्य की मृत्यु कभी भी एकदम से नहीं होती है। भगवान किसी भी मनुष्य को एकदम से नहीं उठाते हैं, काल नोटिस दे करके ही आता है और इस जीव को ले जाता है। बोला महाराज कैसा नोटिस? मान लो आपके बाल सफेद होने लग गए, मुख से दांत गिरने लग गए, हाथ कांपने लग गए काम करते हुए, तो वो नोटिस ही है। आप बीमार रहने लग गए, दवाई से ठीक हो गए, वो भी नोटिस ही है। तो समझ लेना चाहिए कि कभी भी शरीर धोखा नहीं सकता। और वैसे भी देखो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मृत्यु की कई निशानियां हैं। स्वप्न में यदि शरीर कीचड़ में धंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए उस मनुष्य की मृत्यु 9 महीनों के अंदर अंदर होती है। स्वप्न में यदि अपने आप को भैंसे की सवारी या गधे की सवारी करते हुए देखो तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु 6 महीने के भीतर होने वाली है। कानों को बंद करके अगर अंतर ध्वनि ना सुनाई दे, हृदय गति ना सुनाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु 8 दिनों में हो जाएगी। संतजन ऐसे ही अपनी मृत्यु का पता लगा लेते हैं। तो महाराज अगर ऐसा कुछ हुआ तो समय गृहात प्रवजितो धीरा पुण्य तीर्थ जल प्लुत, धैर्य के साथ अपने घर से बाहर निकले। घर में रहेंगे तो मोह ममता पकड़े रखेगी। थोड़ा गंगा जल से, जो भी तीर्थों का जल घर में पड़ा है उससे स्नान करो और फिर प्राणायाम करो। कौन कौन है जो प्राणायाम करते हैं? सच सच बोलना। करते हैं प्राणायाम? नहीं करते महाराज, काम तो करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब आप पहले प्राणायाम नहीं करेंगे तो अंतिम समय में खाक प्राणायाम होगा। ये संतों का बताया हुआ मार्ग है। हमें प्रतिदिन सुबह संध्या करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था, बताया था ना संध्या के बारे में, कितने मंत्र बताए थे? 5 महामंत्र दिए थे। जिस भी घर में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के साथ ये 5 महामंत्र बोले जाते हैं उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, कैसे दिया जाता है वो भी बताया है। जैसे ही आपने वो क्रिया कर ली तो उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। चलो आपको काम ज्यादा होता है इसलिए मैं ज्यादा प्राणायाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, अगर उन प्राणायाम को आप 2-2 मिनट भी करें
तब भी आपका मन पूरा दिन परमात्मा तत्व में लगा रहेगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आप कितना भी काम करेंगे आपको कोई थकान नहीं होगी, आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी। हमें बोलते हैं महाराज आप कैसे चले रहते हैं लगातार 6-6, 7-7 महीने बोलना सोते कब है। तो ये सब प्राणायाम से हो पाता है भैया, उम्र का भी पता नहीं चलता जो मनुष्य प्राणायाम करता है। तो मैं थोड़ा सा प्राणायाम बताऊंगा, है इच्छा सुनने की, जिनको इच्छा वो हाथ ऊपर कीजिए। सुनने की इच्छा नहीं करनी है, करने की भी इच्छा करनी है। ज्यादा नहीं, 4 प्राणायाम कम से कम, आसान है। 2-2 मिनट 4 प्राणायाम है तो 8 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। देखो जो पहला प्राणायाम है, एक तो बात यह है कि सुबह जल्दी उठना है, सबसे पहली बात। जो देरी से उठता है वो प्राणायाम का अधिकारी नहीं है। रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। आजकल वो मोबाइल बीमारी चली है, जिसने बिगाड़ करके रख दिया, सारी बात बिगाड़ दी, बेड़ा गर्क कर दिया। सुख भी है, विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। जो पूरी रात सोने नहीं देते, जब सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। इसलिए भाई मोबाइलों को थोड़ा कंट्रोल रखो। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी, थोड़ी देर सभी कमर को सीधा कीजिए, मुंह बंद करना है और नाक से धीरे धीरे श्वास खींचनी है, मुंह बंद करके, पेट में नहीं भरनी, पेट में नहीं खींचनी, पेट से ऊपर चढ़ानी है छाती तक। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो श्वास छोड़नी है। इसको क्या प्राणायाम बोलते हैं, सीधे बैठो थोड़ी देर, ये कौन बैठा है अच्छे नहीं लगते। मैंने बोला है भागवत में पलोथी, जिसका आसन पक्का उसका सब कुछ पक्का, उसका ध्यान पक्का उसका ज्ञान पक्का। मैं भी तो बैठे हूं, मुझे को बड़ा गद्दा नहीं रखा हुआ है, थोड़ा इस शरीर को कष्ट दो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। ये कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं, लाखों रुपए खर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगी। तो ये होता है, इसको प्राणायाम को क्या बोलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्रतिदिन होना चाहिए, पहले 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट, फिर 4, फिर 5, कम से कम 5 मिनट अगर निकलते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। और देखो बिल्कुल आसान है, श्वास भरना है, छोड़ना है, रोकना नहीं है, ठीक है। गया जैसे भरा, और ये मुद्रा हाथों की मुद्रा ये होनी चाहिए, ऐसे ज्ञान मुद्रा, ठीक है जी। और दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती। बाबा रामदेव जी सुबह सुबह बताते हैं हर चैनल पर, ना? लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं कि बाबा रामदेव को देख करके सब करने लग जाए। मैंने बोला जी क्या कर रहे हैं, बोला जी कपाल भाती बाबा रामदेव जी बता रहे थे। तो ये कपाल भाती क्रिया नहीं है, कपाल भाती देखो यही मुद्रा में बैठे, श्वास भरा, श्वास अंदर नहीं भरना है, केवल नाक
को भरना है बाहर निकालने के लिए, अंदर से बाहर निकालना है। विषय वासना बाहर जाती है, कई विकार बाहर जाते हैं कपाल भाति से, ये दूसरी क्रिया है। और इन क्रियाओं को करते हुए एक ही दिव्य मंत्र दिया है योगियों ने, ओ हर क्रिया में ये ओम आना चाहिए। देखिए कितना ध्यान बनता है, आपकी प्रकृति में प्रकाश है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब आप ये प्राणायाम करेंगे। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? एक हाथ घुटने पर और एक हाथ से देखिए इस तरह से, तो पहले बाई नाक को दबाना, दाहिने से श्वास खींचना, फिर इसको बंद कर देना, फिर बाएं से धीरे धीरे छोड़ना, फिर जिससे छोड़ा उससे भरना, ऐसे ये भी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सीधे बैठना, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। श्वास को पेट में नहीं रखना है, छाती तक ले जाना है, इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। इसके बाद चौथा जो प्राणायाम आता है वो है भ्रामरी। क्या है? भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना? आंखों को बीच में से हल्का सा दबाना, कान बंद करना, नाक से श्वास खींचना और वापिस छोड़ते समय नाक से आवाज करते हुए छोड़ना, जैसे एक भमरे की आवाज होती है। फिर जब छोड़ा, जब ये प्राणायाम किया, थोड़ा सा आंखों को मल ले और अपने हाथों को देखें, एकदम से रोशनी ना देखें, अगर रोशनी एकदम से देखी तो आंखों पर असर होगा, और केवल हाथों को देखें, धीरे धीरे फिर रोशनी की तरफ देखें। ये प्राणायाम है भ्रामरी। देखो मनुष्य अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, समय पर खाना सोना हर चीज के लिए समय नहीं निकाल पाते ढंग से, समय निकालते हैं लेकिन वो असमय होता है। चलो खाने पीने के लिए तो वो जरूरी है, लेकिन सत्संग के लिए तो समय ही नहीं है।